मुबारकां लाला जी, मुबारकां। फोर्थ टर्म में आने और ASUO बनने की मुबारकें। आखिर तू पहुंच गया उस कमरे में जिस पर तूने फर्स्ट टर्म से नजर रखी थी। नजर रखी थी और दिल भी। इस कमरे में एक अजीब सा जादू है। इस बिस्तर पर वो शेर लेटता था और इस कुर्सी पर बैठता होगा। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? तो बताने की जरूरत भी नहीं, तेरे चेहरे पे सब लिखा हुआ है। दिल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हथेली हाजिर है। देख लो, तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है, तू भी शाहजहान की दादी की तरह ठीक ठाक बेशरम। मेरे शौहर को आपने मारा भाईजान। वो आपकी वजह से इतना परेशान था कि आपके घर से निकलने से लेकर मरने तक वो सिर्फ आपकी नाराजगी की बातें करता रहा। भाईजान, मैं चाहती हूं कि आज के बाद आप मेरे घर में कदम ना रखें। आपको देखते मुझे आपसे नफरत होने लगती है। आपका जिसके साथ ताल्लुक था आपने उसको मार दिया। तुम मेरी और शाहिद की बेटी ही नहीं हो, तो उनकी भतीजी कैसे हो सकती हो? हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जवादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। जवादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यार तेरी यारिया दिल की सदा, मेरी खुशियां तो सारिया होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। जी जी हाजी साहब, जी जी जी, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओए क्या क्या मत आ गई है, डरा दिया तूने मुझे। बोल अब्बा, खुशखबरी है खुशखबरी। सिप्तेन शाह को दिल का दौरा लंबे दौरे पर ले गया है। अल्लाह के हुक्म से फारिग हो गया है और उसकी सीट खाली हो गई है। जिमनी इलेक्शन की तैयारी करें अब्बा जी। अरे ये क्या किया, मैं ड्रामा देख रही हूं। लानत भेजो इस ड्रामे पर। तुम मुझे ये बताओ, राहील को तुमने बताया कि दुआ शाहिद की बेटी नहीं है? मैंने नहीं बताया, उसने जबरदस्ती पूछ लिया। बस कर दो ना, मैं बेवकूफ हूं और ना तुम इतनी मासूम हो कि कल का बच्चा तुमसे जबरदस्ती वो बात पूछ ले जो आज तक हुई भी नहीं। दुआ को हमने अपनी बेटी समझा है, अपना खून माना है और कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। 20-22 साल बाद कौन सी बात कहां से निकाल के ले आई हो तुम? इसलिए कि राहील दुआ का पीछा छोड़ दे, ना वो खुद बेइज्जत हो और ना वो हमें जलील करवाए। तुमने ये अच्छा नहीं किया बस। अरे आप खामखा में डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो उसे अपने खानदान का समझता था, इसलिए उससे शादी करना चाहता था, इज्जत समझता था अपनी। लेकिन अब उसे सब मालूम हो गया। जिस लड़की के माँ बाप का अता पता नहीं, उससे हमारा राहील क्यों शादी करेगा? तुमने बंदर के हाथ उस तरह दे दिया है, अब देखती जाओ वो किस किस का गला काटेगा। डैड, मुझे इतनी स्ट्रेंथ देने के बाद आपने कैसे सोच लिया कि मैं सच को हैंडल नहीं कर पाऊंगी?
काश आप मुझे किसी दिन सच बता ही देते कि मैं आपकी बेटी रही हूँ, मैं उसी वक्त आपके सीने से लग जाती और कहती कि मैं आप ही की बेटी हूँ। इतना तो यकीन था ना आपको मुझ पर। मुझे तो दुख इस बात का है कि आप सारी जिंदगी इस खौफ के साथ जीते रहे मैं आपको छोड़ जाऊंगी। मैंने तो नहीं छोड़ा डैड, आप ही मुझे छोड़ गए। कैसे मानूं है तू जुदा मुझे। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है। सोच कर दिल अकेला छोड़ दिया आपने मुझे। होता है तू नहीं सामने मगर I miss you, फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। एक खबर पहुंची है मुझ तक। कौन सी? सर फैजान को क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया। हाँ, इंक्वायरी होगी है? इंक्वायरी क्यों होनी थी, रेड हैंड पकड़ा गया इसे तो क्वार्टर गार्ड में बंद है। हुआ क्या है मुझे तो कुछ बताओ। तुझे नहीं पता? अल्लाह की कसम से नहीं मालूम, तुम में से भी कोई कुछ नहीं बता रहा। टैक्टिक्स के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। ना कर। तो इस पे इतना सीरियस एक्शन लेने की क्या जरूरत है? उसने हमारा बेसिक कोड तोड़ा है। A cadet never cheats, never steals, and never lies. जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसका वही होगा जो फैजान के साथ होने वाला है। क्या क्या? Drum out. What the hell is going on in the academy? Gentlemen, foundation of soldier comprises courage, competence, comradeship, and most importantly character. And any character failure has no place in the academy. Here, Tom, carry on! Gundog! Samnitsog! Astog! Gal! जब तक जिंदा रहा डरता रहा कहीं सच जानकर तुम्हें कोई सदमा ना हो, कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ, अपने माँ बाप के बारे में पूछना ना शुरू कर दो। अगर मेरा उनके बारे में जानना जरूरी होता मैं आपसे जरूर पूछती। ना ही मुझे कोई शौक लगे और ना ही मुझे उनके बारे में जानने का कोई शौक है। अम्मी, अबू का नाम मेरे आईडी कार्ड पर हमेशा रहेगा और उसी नाम से पहचानी जाऊंगी, और जब मर जाऊंगी तो मुझे आपके नाम की जरूरत पड़ेगी। क्यों डरा देने वाली बातें करती हूँ? अभी इस घर से एक लाश उठी है, मत क्या करो कुछ भी बातें। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। शायद अंकल की कब्र पे फातिहा पढ़ने आया था, सोचा तुमसे मिल लूं। आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है। उस दिन जो बातें हुई वो सब हम भुला चुके हैं। इतने बड़े हादसे के बाद चची की जगह शायद कोई भी होता तो यही सब कुछ कहता। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी फैमिली को। नजर नहीं लगी राहिल,
तुम्हारी जिद खा गई है। तुम्हारा बिला वजह का मुझ पर हक जताना सब कुछ तपा कर गया। हक भी तो उसी पे जताया जाता है जिससे मोहब्बत होती है। मुझे ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है जिसने मेरा बाप मुझसे छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगा, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। बस एक बार हाँ कर दो, चाहे अभी शादी ना करो, सिर्फ मंगनी कर लो। राहिल मुझे ये फजूल बातें नहीं करनी, बेहतर यही होगा तुम चले जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शायद अंकल की अडॉप्टेड औलाद हो और ऐसी औलाद का कोई हक नहीं होता। यकीन ना आए तो किसी लॉयर से पूछ लो। देखो, हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मेरी ऑफर को पुरसकून दिमाग से सोचो, वरना तुम और चची तरपतर हो जाओगे। वैसे आपस की बात है, असल मौजें तो उनकी होती हैं जो कोर्स के टॉप 10 में होते हैं, जिस रेजिमेंट में जाना चाहें जा सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो। ये सपोज कहां से आ गया है, मुझे यकीन है तू आएगा, तो अपना शक है। सुभान अल्लाह भाईजान, इतनी आजी ना दिखाएं आप, ऐसे एएसयू नहीं बन गए तुम। मुझे तो शक है तुम सोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट्स में से हो, और सोर्ड भी लेकर जाओगे तुम। यार सोर्ड जैसा ऑनर हासिल करना आसान काम नहीं है। मैंने तो अम्मी से भी कहा है कि दुआ करें कि हमारे हक में जो भी बेहतर है अल्लाह वही करे। यार मुझे यकीन है कि तू ही स्वॉर्ड विन करेगा। एक काम कर, अपनी अम्मी से कह मेरे लिए दुआ करें कि मैं टॉप 10 होकर आर्मर में चला जाऊं। तेरा तो पेरेंट क्लेम है आर्मर, तू तो स्वॉर्ड भी विन करेगा और आर्मर में भी जाएगा, है ना यार? मैं अपने फादर के फुटस्टेप्स में फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन से चॉइस पूछी गई ना, इन्फेंट्री में जाऊंगा, सोच लिया मैंने। तू क्या कह रहा है? तो मैं क्या सुन रहा हूं? तो सही सुन रहा है। मगर क्यों? आओ। मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल से कम नहीं। इस कमरे में रहकर मैं इस अजीम हीरो को समझाऊं, इसके पीछे पीछे उस निशान तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पहुंचा है। निशान मिले ना मिले, अपने मुल्क के लिए लड़ते लड़ते उसके जैसी शहादत मिल जाए तो समझूंगा कि दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। इस शेर की आंख से जिंदगी और मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहता हूं, इसके कदमों पर चलकर अपनी पाक फौज को देखना चाहता हूं मैं। इसलिए डिसीजन ले चुका हूं। तुझे तेरे डिसीजन से कोई नहीं हटा सकता, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी तेरी जगह होता तो मैं भी यही कह रहा होता। चलो ठीक है, तू शेर की लगे से कैरी कर, मैं घोड़े पर सवार होके आर्मर में जाता हूं इंशाल्लाह। ये क्या शाय है पुत्र? घोड़ी है दादाजी, और क्या है? अच्छा ये घोड़ी है तो फिर मैं मलकला यार नहीं हूं, मैं प्रिंस चार्ल्स हूं। काके वो मेले में तेरे साथ किसी ने हाथ कर दिया है, असील चीज बोल के तुझे रजील चीज पकड़ा दी। नहीं दादाजी, असील ही है ये। 10 बंदों ने गारंटी दी थी तब सौदा किया था मैंने। अच्छा खैर, तूने मेरी बात को याद तो रखनी नहीं है, फिर भी मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन ले काके। मेले में बिकती घोड़ी, बेले में खड़ी छोरी,
दोनों का एतबार कोई नहीं होता। कोड़ी में निकलेगा कोई ना कोई नक्स, ये छोरी आगे से निकलेगी चिड़ैल। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नुक्स नहीं है इस घोड़ी में। देखें कैसे सर उठा के खड़ी है। माशाल्लाह भाई, सर उठा के खड़ी है। वो पिछले गोड्डों में उसकी हवा भरी हुई है। मेरी बात लिख ले, 2 से 3 दिन बाद इसने जमीन पे जो बहना है तो फिर उठना कोई नहीं। जे उठ गई ना तो तू आके मेरे गोड्डे तोड़ देना पुत्र, तू भी इधर है तो मैं भी इधर। है बड़ा मेरे को इंतजार था तेरा कि मेरा पुत्र मेले पे गया कोई बड़ी शह लेकर आएगा। है टम लेकर आया भाई, सुभान अल्लाह भाई, ओ माशाल्लाह भाई। इसलिए कहा कि मैं बोलता हूँ जिस काम का तुझे पता नहीं है उसमें हाथ ना डाला कर। तो फिर किस काम में हाथ डालू मैं, आप ही बताएं। मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप मुझे थोड़ा सीरियसली लेंगे? ये भी मैं बताऊं तुझे, कोई काके बड़ा काम कर, कोई नया कारनामा कर, कोई नया चन चढ़ा। एक कोई तूने बस शादी की है, उधर ही तेरी अक्कल भी खत्म है, बस उधर ही का उधर है। काके बड़ा हो जा, नहीं तो ये सारी दुनिया ने तुझे ठगते रहना सारी उम्र सारी याति। लिख ले मेरी बात। ले भाई तेरा सौरा है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आओ जी आओ चौधरी साहब। क्या हाल है मलिक? क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? क्या हाल है पुत्र? क्या हाल है शाहजहान? वो कमाल है चौधरी साहब। आज ही मैं शाहजहान से पूछ रहा था कि किधर तुम बहुत तो नहीं हो गए और किसी ने मुझे खबर ही कोई नहीं दी है। जिंदा हूँ मलिक जी और तुम्हारे सामने भी हूँ। यार कोई खुदा का खौफ कर, दीरानी की शादी के बाद आज तो पहली बार ही आया है। कोई आते जाते रह कर जिंदगी मौत का भरोसा कोई नहीं होता है। पुराने वक्तों का बंदा हूँ मलिक जी, बेटी के घर से ग्लास पानी भी पीना जायज नहीं समझता। जो चल फिर, पानी ना पीना, लस्सी शस्सी पी लेना। चल भाई मुलाजम हुसैन, खाने का इंतजाम कर, पानी के अलावा सारा कुछ ले आ। शाबा आइए चले। कैसी बातें कर रही हो तुम? शरीयत के मुताबिक शाहिद की जायदाद में 8वें हिस्से की हकदार हूँ मैं। आप है ना अम्मी, मैं तो नहीं हूँ। मैंने कंफर्म किया था लॉयर से, कानून और शरीयत के मुताबिक मेरा इस घर में कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती ऐसे कानून को। शरीयत को तो मानती है ना अम्मी, प्लीज मेरी बात मान ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। वो छछोरा लड़का तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हर अदालत तक जाऊंगी। अम्मी जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए अदालत जाने की क्या जरूरत है? तुम राहिल की बातों में आकर मुझसे इतनी बड़ी बात मनवा रही हो दुआ? अम्मी मैं भी तो मान रही हूँ ना, माने या ना माने हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मैंने तो फैसला कर लिया, आपके फैसले का इंतजार है। ठीक है, अगर तुम राहिल की लगाई भी इस आग में कूदने को तैयार हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बुला लो उन सबको, खत्म करें इस फसाद को। और क्या खबर है चौधरी? मैं सुनिया तू 50 एकड़ जमीन की और ले रहे। इरादा तो है, मगर इलेक्शन से फारिग हो जाऊं तो फिर जमीन भी ले लूंगा। मेरे आने का मकसद ही यही था आज कि अगर तुम चौधरी वकार के सर पे हाथ रख दो तो इसकी असेंबली में जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तेरी ख्वाहिश भी जायज है, बात भी जायज है, मगर और रिश्तेदारी में कैसी अकर मकर। बिस्मिल्लाह करो, दुआ खैर दो, आगे अल्लाह मालिक है। क्यों शाहजहान पुत्र, ठीक कह रहा हूं ना? आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस सीट पर तो दादाजी मुझे इलेक्शन लड़वा रहे हैं। दादा कहते हैं अब मुझे कोई बड़ा काम करना चाहिए। इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत कर मैं कोई बड़ा काम करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अब्बू मुबारक हो, दुआ मान गई है। बस कर दो, खुदा के लिए अब उसका पीछा छोड़ दो। क्यों निकम्मे आशिक की तरह उसके पीछे पड़ गए हो तुम? निकम्मा आशिक होता तो वो खुद फोन करके ना कहती कि ताया अब्बू और अम्मी को साथ लेके आओ। दुआ राजी हो गई है और चची ने भी हाँ कर दी है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद फोन करके पूछ ले। मैंने कहा भी था कि बेटी देने से पहले मलिका लयार से जुबान ले लें, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? ओए ये क्या निकम्मी औरतों की तरह ताने मार रहा है। मैं शाहजैन का फैसला तब्दील करवा लूंगा। कैसे करवाएंगे आप? उसे बड़े काम करने का शौक चढ़ गया अब, और अब वो करके रहेगा। मैंने रानी को बुलाया, वो उसे समझा लेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या हाल है भाई? ठीक हो? अब्बा मैं किसी को क्या समझाऊं, मेरी तो खुद समझने की उम्र है। मैं भला शाहजैन को कैसे बता सकती हूँ कि इलेक्शन नहीं लड़ना? बेटा तुम बीवी हो उसकी, तुम नहीं समझाओगी तो और कौन समझाएगा? बस अब्बा मुझे ना घसीटे इस काम में। ये वाली बातें आप शाहजैन से डायरेक्ट ही कर लें। डायरेक्ट करनी होती तो तुम्हारी मिन्नत कर रहा होता, बेवकूफ। मिन्नत करने की क्या बात है अब्बा जी, इसे आप हुक्म दें कि अपने बाप और अपने भाई की इज्जत इस तरह से खराब मत करे। जाके अपने शोहर को समझाए इससे पहले के मामला और बिगड़ जाए। अब्बा जी मैं यहाँ इनकी धमकियां सुनने आई हूँ क्या आपकी बात? तो इसकी फिक्र मत कर बेटा, ये गुस्से में वैसे ही बोलता रहता है। फिर भाई तुम भी मेरी बात मानो, मेरी तरह ना वुजू में रहा करो, गुस्सा ठंडा रहता है इस तरह। अब्बा जी आप इजाजत दें जरा, मैं जोहर के चार फर्ज पढ़ के आती हूँ। और बैठ, ज्यादा ड्रामे मत कर और मेरी बात गौर से सुन। बिस्मिल्लाह करें। शाहजैन को समझाना तुम्हारा फर्ज है, समझाना नहीं बल्कि मनवाना है कि वो इस सीट से पीछे हटके तुम्हारे भाई को सपोर्ट करे। और अगर मैं ना मनवा सकी तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई दोनों मर चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने जनाजे पे भी आने की इजाजत नहीं दूंगा। ले रानी, तेरा अब्बा तो तेरा भी अब्बा निकला। इतनी इमोशनल धमकी तो मैंने कभी नहीं लगाई जो आप लगा के गए अब्बा, हद होती है। अब क्या होगा? एक तरफ अब्बा, दूसरी तरफ वो मक्खन का डब्बा, और बीच में मैं मासूम। एक बार फिर सोच लो, कोई दूसरा हल भी तो हो सकता है। मैंने बहुत सोचा है, यही एक बाइज्जत हल है। बाकी हर तरीके से हम जुदा हो रहे हैं, इस तरह एक दूसरों की नजरों के सामने तो रहेंगे एक साथ। तीनों आए हैं? जी, पापी का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर चलो। अरे कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब? बहुत अच्छी हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। बस जल्दी से ठीक हो जा ताकि हम अपने बच्चों की खुशी सेहत और सुकून के साथ मना सके। क्यों नहीं क्यों नहीं, चलो भी आगे बढ़ो और पुरानी सारी बातें छोड़ छाड़ कर मिठाई खिलाओ। किस बात की मिठाई? मैं यहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं बैठी। आपका बेटा मेरी बेटी को धमकियां दे रहा है और आप मिठाइयाँ खाने की बात कर रहे हैं। वाह जाहिद भाई वाह। धमकी? कौन सी धमकी? राहील को लगता है कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मुझे और अम्मी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ और उसे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज मैंने और अम्मी ने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये शाहिद का घर है और इसमें मेरा जो भी हिस्सा बनता है आप मुझे इसकी कीमत दे दें। इसके बाद आप जाने और ये घर।
कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन राहिल तो सोच चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी जिद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके लिए एक चैलेंज बन चुकी हूँ, ये मुझे तोड़ना चाहता है जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए इस रिश्ते को अना का मसला बनाए बगैर अगर खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अम्मी का इस घर में जो शेयर है उसके पैसे आप हमें दे दें, हमें ये घर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम दोनों ने ये सारे ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते अब्बू? तुम चुप रहो बेशरम इंसान, आज जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। खामोश रहो और मुझे बात करने दो। सारी बात हो गई है, मुझे अंदर ले चलो। दुआ हासिल करने वाले एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर सात। समझो सर। पासिंग आउट कोर्स में सिद्धार्थी तलाई तमगा हासिल करने वाले कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर गुलजार। उड़े उड़े अपना गुलजार तमगा गिंदा पे। वालेकुम सर। किथा किथा देखो ते इतना सारे गुलजार लिया नजर आते पे। कोई अंधी उड़े मैं कुछ नजर नहीं आता पे। नियाज हुसैन खुशी दे आज मेरे मैं को अंधा कर देते। वे अधी सामने देख सर। वालेकुम सलाम। जब भी मैं यहां आता हूं और इस पीएमए रोड को देखता हूं मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है कि अगर मैं इस रास्ते पे ना चला होता तो आज इस मकाम पे ना होता। बहुत यादें जुड़ी हैं इन दरख्तों से, इन दरो दीवार से। यहां आके ना
मेरा अंदर का कैरेट एक बार फिर निकलता है और इस रोड पे ऐसे भागने लगता है जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ को देख के उसकी तरफ भागता है और लिपट जाता है। साथ चाहे मैं जितना ही बड़ा अफसर बन जाऊं, मैं इस एकेडमी में गुजारे हुए वो सुनहरे दिन नहीं भूल सकता। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस एकेडमी। हम दोनों की जड़ें पीएमए में हैं और पीएमए हमारी जड़ों में है। बार मेरी आंखें भीगी थी जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हें मैंने अपने हाथों में उठाया था तब मेरी आंखें छलकी थी। आज जब तुम खुशी से अपनी सोर्ड ऑफ ऑनर मेरे हाथों में रख रहे हो तो मुझे डर है मेरी आंखें फिर ना भीग जाए। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी सोर्ड को अपने हाथों में रखो। यू हैव अर्न दिस सक्सेस अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। अब इस सोर्ड ऑफ ऑनर की लाज रखना। अपने फर्ज को निभाने के लिए जान लेनी पड़े या देनी पड़े उसे दरेक ना करना। यू कैन कीप दिस सोर्ड। पूरी कोशिश करूंगा बाबा। आई नो सन, वेल डन, शाबाश। चलो अब अम्मी और आमी से भी मिल लो, तुम्हारा वेट कर रही होंगी। मैं भी वेट कर रहा हूं। मैं जानता हूं। तो आगे बढ़े। मैंने जितना बढ़ना था बढ़ लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम आगे बढ़ो। लीड द वे। God bless you, my son. I'm proud of you. भाई, I'm so proud of you. सरा सोचें, मैं किस तरह सर उठाकर चलूंगी जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मेरे बाबा के साथ साथ मेरा भाई भी स्वॉर्ड विनर है। I'm so proud of both of you. बहुत फखर है मुझे तुम दोनों पर। इस पर क्यों? बाबा को मेरे जासूसी करने के अलावा क्या आता है इसे? बताएं। हमें लगता है भाई को बताने का टाइम आ गया है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कारनामे कर चुकी हूँ। और भाई जरा स्वॉर्ड का सहारा ले लेना, कहीं मेरी अचीवमेंट्स को सुन के तुम गिर ना जाओ। क्या कह रही हो? हाँ भाई, रामीन साहिबा की एक पेंटिंग जो उसने एनवायरनमेंट पे बनाई थी वो सिलेक्ट हो गई जापान की एक एग्जीबिशन के लिए। शी इज गोइंग टू बिकम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। व्हाट? जी, अभी और भी है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज में मेरिट लिस्ट पे इसके सबसे ऊपर नाम है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? Not bad. Thank you. अरे भाई आराम से, उसमें कांच का सामान है। हाँ, उसको उधर रख दें। अच्छा ये लो, फोन करो। किसको? दुआ को। घर पहुंच के कॉल कर लूंगा उसे। आपके सामने ना उसके साथ बात करते हुए शर्म आती है मुझे। ओए मेरा शर्मीला बेटा, कॉल करते हो कि मैं बाबा को बताऊं दुआ के बारे में? कॉल ना। हेलो। हेलो, मैं पास हो इधर तो नए नवेले दूल्हे की तरह बात कर रही हूं। हेलो जी बेटा, मैं सात की अम्मी बोल रही हूँ। आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आज माशाल्लाह सात पास आउट हो गया है। अब वो एक कैडेट से ऑफिसर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आपके बारे में इतना सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। अगर आज रात को आप फ्री हैं तो प्लीज आप डिनर पे आए। आज सात की ऑनर में हमने एक छोटा सा खाना रखा है घर पे, आप प्लीज आइएगा, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आंटी आई एम सो सॉरी, मैं अभी एबटाबाद के लिए निकल रही हूँ। रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम बेटा, जब भी आप वापस आए
जरूर घर आइएगा। हमारा घर अब आपका घर है। ओके बेटा। बाय। हाथ न ला पहला थी वैसी कुछ तो खौफे खुदा कर नियाज हुसैन। यार देखा तेरे है क्या चीज। मेरे पुत्र दे खून पसीने दी कमाई दा है। बिया क्या है? हाथ साफ कर गए मैला थी वैसी आ। ठीक है। ना रो नियाज हुसैन ना रो। एक तो सही खुशी दी निवार है। तू ही तो रोंदी पई है। मैंने तो खुशी दे विच हंजू निकल दिया पई है। एक भी अल्लाह ताला दी जात ने बहुत बड़ी खुशी अता की थी। बहुत बड़ी खुशी अता की थी। आज अगर वो खुशी चे नू आंसू ना निकले ना तो खुशी दी फाका दाना थी।